एमपी से हैं अंजना जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जैतून के सिरका के लिए और जो आपने हार्ट की दवाई बताई उसके लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बताइए क्या हुआ आपके साथ? हमारे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, तो उनको चलने में हाँपी आती थी, तो उसके लिए हमने दवाई बनाई थी। आपने सिरका की बताई थी और लहसुन का अदरक, इसका पूरा लहसुन का और आपका अदरक नींबू का रस बराबर मात्रा में लेके लिया। आज वो मशीन पे भी चल लेते हैं, हाँपी भी नहीं आती है, नहीं तो उनकी हार्ट बीट 160 पहुंच जाती थी। सब अच्छा है, लेकिन हमें अभी हमारी नातिन है छोटी 3 साल की, तो हकीम साहब उसको वो लैट्रिन कड़क जाती थी, तो एक दो बार उसको ब्लड आया। अब हम लोग चिंता में हो गए कि क्या किया जाए, आप बताइएगा। ठीक है, कितना साल की बताई? 3 साल की है। 3 साल की, ठीक है ठीक है। देखिए, बहुत मुबारक कि आपके पति को भगवान ने फायदा दे दिया। इससे पहले भी एक कॉल आई थी ना, तो वो यही नुस्खा मैंने बताया है। यही मैंने नुस्खा बताया। और देखिए, जो भी नुस्खा आपको फायदा करता है, मैं पेशेंट को अपने साथ जोड़ लेता हूँ और मेरे पेशेंट मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये नुस्खा आप आम कर दीजिए, सबको बता दीजिए, ताकि और घर घर में दिल का भी मरीज है, ताकि उन सबको फायदा हो सके। आप इसका खूब प्रचार प्रसार करिए ताकि और लोगों को फायदा हो जाए, क्योंकि दिल का मामला, ऑपरेशन, हार्ट ब्लॉकेज, ये आदमी इतना रईस नहीं है कि वो लाखों रुपए दे और फिर तकलीफ भी उठाए और फायदा भी ना हो। तो ये हर घर में ये नुस्खा पहुंच जाना चाहिए। मेरे साथ आप जुड़ी रहें और मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूँगा। इस बच्ची को जो आप वो देते हैं दूध, उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच बादाम का तेल, जो खाने वाला होता है, वो मिला के पिलाया करें दिन में एक बार। एक ही बार पिलाते रहें, और अगर एक हफ्ते में फ़ायदा ना हो तो 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार ही दें, छोटी बच्ची है। मुझे उम्मीद है कि ये बच्ची भी आपके पति की तरह निरोग हो सकती है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका करण, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, तेज आवाज में बात कीजिए। हेलो, आवाज ही मैम। ये एक जानकारी लेनी थी, मेरे भाई के बवासीर है। कौन सी बवासीर है, खूनी या बादी? बाहर की तरफ खून तो नहीं आता ना? हाँ आता है, खून आता है कभी कभार। ठीक है, तो देखिए, एक नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं इसे, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है और खाने में नमकीन नहीं होता। याद रखें, असली लें, नकली वकली भी आजकल बहुत मिलता है। तो ये 2 चुटकी में जितना आए, 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिला दिया करें, आपके भाई को फायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं अनिल हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम मैं ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरा सवाल ये है, मेरे दस्त बंद नहीं होते, मैं दुनिया की दवाई करा चुका हूँ मैडम। आपकी उम्र क्या है? उम्र है 43 साल। आप बाहर का तो नहीं खाते हैं? नहीं नहीं मैडम, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ जी। ठीक है, तो देखिए, मैं तो मामूली एक हकीम हूँ और एक नुस्खा बताना चाहता हूँ, फायदा हो जाए तो फीडबैक ज़रूर देना आप। दुनिया की दवाइयाँ आपने कौन सा डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन भगवान जिसके हाथ से फ़ायदा दिलाए। देखिए, एक गोंद आता है, बादाम का गोंद, बादाम का गोंद याद रखें और लिख लें, बादाम का गोंद लीजिए, ऐसे 200 ग्राम के करीब ले लीजिए,
2-250 ग्राम बस काफ़ी होना चाहिए आपके लिए। हालांकि सारा तो खा भी नहीं पाएंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन हो जाएगा। इसको ग्राइंडर में डालें और ग्राइंडर चलाएंगे तो यूं करके ये पाउडर बन जाएगा। अब इसका 1 चम्मच पानी में डाल दें इस पाउडर का, 15 मिनट तक छोड़ें। तो ये 15 मिनट बाद ये पानी आप पी लें, चाहें तो इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं। ये एक बार लेना शुरू करें, आज से लेना शुरू करें तो कल से फ़ायदा मुमकिन है। और एक बार में अगर आपको लगे कि कम फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, तो 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन पहले एक ही बार लेना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी एमपी से हैं विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। भाई जल्दी आओ। हेलो। हाँ जी जी मैम जी नमस्कार। जी जी नमस्कार मैम, मुझे ये परेशानी थी कि मेरे सिर में डैंड्रफ होता है मैम। हाँ तो आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 24 साल है मैम। ठीक है, डैंड्रफ की शिकायत है ना बस आपको? जी डैंड्रफ की शिकायत है और आंख लाल होती है मेरी। आंख लाल होती है? और आंख लाल होती है जी, और ये 2 साल से चल रहा है मेरे साथ। मैंने ड्रॉप भी ले लिया, चेकअप भी करवा लिया। ठीक है जी। हाँ देखिए, आंख लाल है तो किसी दुश्मन को दिखा देते, वो भी डर जाता थोड़ा सा। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ खैर। और एक इलाज है अगर आप समझ लें तो। देखिए ये जो घी, ये महिलाएं जो हैं हमारी भारत की, ये थोड़ी थोड़ी बालाई, जिसे मलाई कहते हैं, उसका नाम बालाई होता है, मलाई जमा कर करके और उसे घी निकाल लेती है ना, ये वाला घी अपने सर पे रात को खूब लगा के और कुछ बांध लेना पॉलीपैक वगैरह के, आपका तकिया ख़राब ना हो, या दिन में लगा लिया करें और फिर 6 घंटे लगा रहे, फिर उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, ये 1 हफ्ता करें तो आपके डैंड्रफ को फ़ायदा मुमकिन है। एक आता है सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये 1 ग्राम 1 गिलास दूध में मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करें। और ये सफ़ेद वाला ही गौन मोरिंगा लेना, लाल और पीला सा भी मिलता है वो नहीं लेना। आपकी ये दोनों शिकायतें ठीक होना मुमकिन है। जी छत्तीसगढ़ से हैं सरस्वती जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद, आदाब सरस्वती। हाँ, जी हाँ, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। उनकी उम्र 60 वर्ष है, वजन 74 kg है। तो आजकल दूषित खान पान के चलते हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज, लकवा, बीपी, शुगर आदि बीमारियों का बहुत बढ़ रही है। तो अभी तो मेरे पति स्वस्थ हैं, उनको कोई बीपी शुगर वगैरह कुछ नहीं है। तो आगे भी कुछ ना हो तो इसके लिए क्या ये बताएंगे आप? ठीक है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद कई बीमारियां शुरू हो रही हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? बहुत ही समझदारी की बात की है आपने। और देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग हों कि बीमारी आने से पहले उसका रास्ता रोक दें। तो मैं, आप जुड़ी हुई हैं शायद बहुत पहले से, तो ये जो मैं एक नुस्खा बताता हूँ, ये नुस्खा अरबी नुस्खा कहलाता है, अरबी, क्योंकि अरब में पैदा होने वाला एक फल जिसे जैतून कहते हैं, इसमें इस्तेमाल होता है। जैतून का सिरका 1 लीटर लें, अदरक का रस 1 लीटर, लहसुन का रस 1 लीटर और नींबू का रस 1 लीटर, इन सबको मिश्रण कर दें। ये जितनी बीमारियों का आपने जिक्र किया,
फालिज, लकवा, पेट की तकलीफ, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी और दिल का बड़ा ख्याल करता है। आप एहतियातन ले लें, अंदर से तवानाई पैदा कर दे, ताकत पैदा, क्योंकि खून गाढ़ा होने लगता है, आदमी सुस्त होने लगता है, पता चलता नहीं है। जब ये बीमारी आ जाती है तो हम रातों रात भागे फिरे फिरते हैं और मालूम हुआ ऑपरेशन कराना है, हार्ट ब्लॉक हो गया है, फालिज हो गया है, लकवा हो गया है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आपने मेरे पसंद का फ़ोन किया है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ये आप इस्तेमाल किया करें, 3-3 चम्मच दिन में एक बार या दो बार ही करें, क्योंकि रोगी तो है नहीं आप, रोगी लोग इसको 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के पश्चात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी। गाजियाबाद से प्रिया, स्वागत है आपका। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मैं प्रिया शर्मा बात कर रही हूँ गाजियाबाद से जी। और मुझे ना अपनी मम्मी जी के बारे में पूछना था। पूछिए। उनको काफी टाइम से ना बवासीर है। कौन सी वाली है? मैम ये उनको जो मतलब ब्लड उनका गिरता रहता है, इतनी ज्यादा उनको बवासीर है, ड्रॉपलेट जो है। उम्र क्या है उनकी? समथिंग 60 इयर्स है और ऑलरेडी बीपी भी हाई रहता है, दो प्रॉब्लम है। ठीक है, बीपी के लिए जैतून का सिरका रोजाना 3 चम्मच एक बार या दो बार देना बेहतर है। पानी में मिलाकर देते हैं, छोटे चाय के चम्मच जैतून का सिरका। ये ब्लडिंग इससे भी बड़ा मर्ज है, ये रुकनी चाहिए, नहीं तो बहुत कमज़ोरी आ जाती है। अब देखिए वो नुस्खा मुझे इसी प्रोग्राम में शायद 3री बार बता रहा हूँ मैं, ये लाजवंती कत्था सफ़ेद, गौन मोरिंगा सफ़ेद। ये गौन मोरिंगा सफ़ेद असली लेना, सफ़ेद वाला ही लेना, लाल और पीला मिले तो मत लेना। गौन मोरिंगा सफ़ेद और इसबगोल की भूसी और अलसी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम दिन में दो बार, आधा आधा चम्मच दिन में यानी 2 ग्राम के करीब दिन में 2 बार खिलाएं, दूध से दें 1 कप दूध से, तो इनको फायदा होना मुमकिन है जी। बिहार से हैं केशव जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी बताइए, सवाल करिए। हमको सांस फूलता है बहुत ज्यादा। आपकी उम्र क्या है? हमारा उम्र 65 साल है जी। खांसी तो नहीं रहती? हाँ खांसी भी होता है, कफ भी आता है। ठीक है, और गैस भी बनता है। ठीक है, हाँ देखिए जब भी खाना खाया करें 2 चम्मच सौंफ ज़रूर खाया करें, और अगर दांत साथ नहीं देते, 65 साल में किसी के दांत टूट गए हों तो सौंफ का पानी पी सकते हैं। धनिया, अदरक और लहसुन अक्सर महिलाएं इतना सा यूज़ करती हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें। इतना अदरक, इतना लहसुन और धनिया भी थोड़ा ज़्यादा, तो इससे भी ये पेट का रोग ठीक होते हैं। और सांस के लिए आप देखिए सपिस्तान, उन्नाव, अलसी 100-100 ग्राम लें और पीपलें 30 ग्राम, इनको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट यानी निहार मुँह गर्म पानी से लिया करें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन।